1000 रुपए। भाई इतने खुश मत हो, ये चैलेंज तुम लोगों के लिए इतना आसान भी नहीं होने वाला है। तुमको इस चैलेंज को जीतने के लिए फेस करनी पड़ेंगी कुछ परेशानियाँ और कुछ खतरनाक टास्क। कोई भी टास्क हो यार, सर्कल के अंदर ही तो रहना, कितना ही मुश्किल हो जाएगा सब कर दूंगा। मेरे लिए भी काफी आसान है क्योंकि मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आ चुकी हूँ। देखो सर्कल से मुझे कभी दिक्कत नहीं, मैं फ्रेंड सर्कल में रहा, गर्लफ्रेंड के सर्कल में रहा, फैमिली सर्कल में रहा, तो मैं सर्कल में ही हूँ बचपन से। अब टॉक्सिक में आगे बात अलग है, पर मैं रहा सर्कल में हमेशा से, तो मुझे सर्कल में रहने की आदत पड़ चुकी है। 24 छोड़ो 48 रह जाऊंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ना, अब मैं जीत के जाऊंगा। पिछला गेम रनर अप, उससे पिछला गेम विनर, तो ये चैलेंज भी ऑब्वियसली मैं ही जीत के जाऊंगा। तो ये सर्कल दिख भी रहा है? हाँ दिख रहा है। पहले बाल ऊपर के सर्कल देख के था। हाँ भाई दिख रहा है मेरे को, आप अपना देखो, आप तो वहां तक भी नहीं पहुंचे थे रनर अप तक। जीतने वाला मैं ही हूँ। पहले रूल सुन लो उसके बाद भिड़ना। बताओ रूल, बता दो। रूल नंबर 1, तुम में से किसी का कोई भी बॉडी पार्ट अगर बाउंड्री लाइन को टच करता है या क्रॉस करता है तो तुम लोग ऑटोमेटिकली एलिमिनेटेड माने जाओगे। रूल नंबर 2, जब जब कोई भी कंटेस्टेंट एलिमिनेट होगा, एलिमिनेशन के साथ साथ ये सर्कल और भी छोटा होता जाएगा, तो तुम्हारा चैलेंज स्टार्ट होता है अब। इस चैलेंज का पहला टास्क ये है कि मैं ब्लाइंड फोल्ड होके इस सर्कल में 1 मिनट तक घूमूंगी और उस 1 मिनट के अंदर अंदर कोई भी बंदा मुझसे टच हो जाता है या मैं किसी को भी टच कर देती हूँ तो वो इस गेम से एलिमिनेट हो जाएगा। यार ये तो बड़ा मुश्किल टास्क है। तुमको ये ध्यान में रखना है कि तुम मुझसे टच ना हो या मैं तुमसे टच ना हो। तुमसे टच होना ही नहीं चाहते हम तो वैसे भी। 50,000 जीतने हैं तो दूर ही रहना। इनका टाइम स्टार्ट होता है अब। खतरों का खिलाड़ी है। अभी तो आगे बहुत कुछ होने वाला है, आप बस देखते जाओ। तो ऐसे टास्क आएंगे बड़े प्यार से जीत जाऊंगा। अब मुझे ये सोचना है इन लोगों को कैसे हराया जाए। ऐसे टास्क तो मैं सोते सोते भी पूरे कर सकता हूँ, इस चीज के लिए मुझे मेहनत करने की जरूरत भी नहीं है। अफसोस इस बात का है कि इनमें से कोई आप। मुश्किल टास्क को करना बहुत जरूरी है, तभी तो ये लोग बाहर निकलेंगे, नहीं तो मैं कैसे विनर बनूंगा बताओ। अभी तो सबसे मुश्किल बात तुम्हारे लिए ये है कि तुम्हारा नेक्स्ट टास्क होगा 2 घंटे बाद, तब तक तुम इस सड़ी हुई गर्मी में यूं ही पड़े रहो। मुझे पता था मेरी किस्मत में होगी तो खुद आएगी। तो गाइस अब बारी है इस चैलेंज के दूसरे टास्क की। मैंने यहाँ बाउल में डाली है कुछ पर्चियाँ, तुम लोगों को एक एक करके आकर एक एक पर्ची उठानी है, जिसके पर्ची में जो सामान निकलेगा उसको उस ट्रे में जाके खड़े हो जाना है और तब तक खड़े रहना है जब तक कि कोई एक बंदा एलिमिनेट नहीं हो जाता। अब तो कोई ना कोई पक्का जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं जलते हुए कोयले पे खड़ा हो सकता हूं। गाइस अभी इन लोगों को ये बोलने में और कहने में बहुत ज्यादा आसान लग रहा है, पर वो तो अभी डिसाइड करेंगे ये पर्ची है कि ये कितना आसान होने वाला है या कितना मुश्किल। आइस किसी के हाथ कुछ बुरा लग रहा है तो किसी के हाथ कुछ अच्छा भी तो लगना चाहिए यार। बुरे आदमी के हाथ अच्छा क्यों लग गया? वही तो भाई, सबकी अपनी अपनी किस्मत है, क्या कर सकते हैं। आ जाओ भाई, अब तो बुरा ही बचा होगा ना। उसको चला नहीं गया था पिछले टास्क पे, इसमें तो क्या ही जाऊंगा मैं। मार्बल निकला है यार। मार्बल तो आसान है, टाइल पे खड़ा होना होगा। वो मार्बल नहीं है, ये कंचो वाले मार्बल है। बर्फ पे खड़ा हो गया। बस एक अच्छी चीज है बर्फ के बारे में, कैसी भी हो थोड़ी देर में पिघल जाएगी और मेरी हॉटनेस से गर्म भी हो सकती है। वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय। कितना अजीब है यार, इसके साथ तो बहुत गंदी फीलिंग आ रही है मेरे को। गाइस बहुत
बहुत डिफिकल्ट है लेकिन करके रहूंगी मैं। इन लोगों को हराना है मुझे। अच्छे लोगों का अच्छा ही आता है, ये तो कंफर्म हो गया। इस टास्क में तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा भाई, बहुत दर्द हो रहा है यार। जितना कॉन्फिडेंस के साथ आया था वो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस खत्म होता जा रहा है। गाइस जिसका भी पैर इस ट्रेस से सबसे पहले बाहर आएगा वो एलिमिनेट हो जाएगा और तभी ये टास्क कंप्लीट होगा। भाई पैरों में ना दर्द हो जाएगा, खून जम जाएगा, ऑपरेशन कराना पड़ेगा इसका। भाई अब तो बर्फ गर्म होने लगी मेरी हॉटनेस से, अब तो टेंशन की जरूरत ही नहीं मुझे। पैर भी ऐसा लग रहा है कि मिट्टी में खड़ा है। लग तो मुझे भी रहा है। तो फिर खड़ा क्यों है, निकल बाहर। 50,000 का सवाल भी तो है भाई। इस राउंड में अगर कोई भगवान का बच्चा है तो ये है, इसको नहीं फर्क पड़ रहा रत्ती भर भी। देखते को दर्द भी हो रहा है, बहुत दिक्कत भी हो रही है। तो मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि अब क्यों इतना दर्द सहना यार, क्यों अपनी जान ऐसे दांव पे लगाना चंद रुपयों के लिए, निकल बाहर। तो उसी में तो मजा है। बेचारी कंचों पे खड़ी है, पैरों में से कंचे निकल जाएंगे यार, इतना दर्द हो रहा होगा। इतने नाजुक नाजुक लड़की के पैर होते, सॉफ्ट सॉफ्ट, पिंकी पिंकी। नहीं ऐसी बात नहीं है, बहुत इजी है। आप खड़े होके देखो। खड़े रहो भाई, मेरा क्या, जब तक कोई बाहर नहीं निकलेगा एलिमिनेट नहीं होगा। खड़े रहो, खड़े रहो, खड़े रहो। गाइस पैरों में दर्द होने के बावजूद भी ये किसी ना किसी तरीके से डटे हुए थे, पर बारिश ने आते ही हमारे एक कंटेस्टेंट को गेम से बाहर कर दिया। तो गाइस हमारा पहला कंटेस्टेंट एलिमिनेट हो गया है और अब तुम लोग भी बाहर आ सकते हो। कुछ ऐसा जुगाड़ करके बारिश लाए, कुछ छतरी टाइप लगा दे। ये निशु तिवारी का चैलेंज है, चाहे आंधी आ जाए, तूफान या भूकंप, चैलेंज तो तुम्हें इसी हाल में कंप्लीट करना पड़ेगा। तो गाइस अभी बारिश हो चुकी है बंद और अब टाइम है सर्कल को और छोटा करने का। छोटा हो चुका है और तुम लोगों को इसी में अपना गुजारा करना है। पहले ही बहुत ज्यादा छोटा था, अभी और छोटा हो गया। बढ़िया है, देख सर्कल छोटा होगा तो बंदे निकलेंगे, उतना जल्दी मैं विनर बनूंगा क्योंकि मैं भीग चुका हूँ, मेरा अंदर का सारा सिस्टम जुराब जूता सब भीग गया है। तो मैं चाहता हूँ जल्दी जल्दी मैं विनर बनूं, अपना पैसा लेके घर जाऊं। नहीं जो भाई लोग इतना खुश हो रहे हैं ना छोटा हो गया सर्कल, सबसे पहले वही निकलने वाले हैं। अब भाई हमने तो छोटा कर दिया है जैसे हमने रूल्स बनाए थे, अब कोई निकले ना निकले और तुम इसमें कैसे सर्वाइव करने वाले हो ये देखने में मुझे तो बहुत मजा आएगा। तीसरे टास्क का इसमें होगा ये कि मैंने सामने पैनल पे चार बलून लगा रखे हैं और उस बलून में है अलग अलग चिट्स और चिट्स पे लिखी हुई है कुछ इंटरेस्टिंग और कुछ खतरनाक खतरनाक चीजें, अच्छा भी है और बहुत बुरा भी है। तुम लोगों को क्या करना है, एक एक करके जाना है और इससे उस बलून पे निशाना लगाना है। तो यहीं से लगाना है, वहां जाके लगाना पास। अरे भाई सर्कल में रहते हुए निशाना लगाना है। कौन जा रहा है सबसे पहले? सबसे पहले चलो भाई डक टेप होल बॉडी फॉर 1 आवर। कैसी लगी? बहुत मुश्किल हो रही है और ऊपर से यहाँ पे इतने मच्छर है इतने ज्यादा कि पैरों में ऐसे काट रहे हैं, मैं मेरे हाथ ऐसे बंधे हुए हैं, मैं कहाँ से खुजली करूंगी। अरे भाई कर यार, पहले देखना पड़ेगा ना, हरा रंग शांति का होता है। चेयर चेयर निकली है, तुम तो मेरी कुर्सी पे बैठ भी नहीं सकती। कुर्सी थोड़ी है, ये छोटा बेड है, कुर्सी के नाम पे भाई ये क्या दे रही हो यार, अभी तो गद्दा भी लगा, इस पे गद्दा भी लगाओ यार। कुछ नहीं लगा। एनर्जी ड्रिंक, ये मजा ही आ गया। चीयर्स भाई साहब। अगर मुझे पीने को देगा आदि तो लेट के पीने को मौका मिलेगा। कितनी देर तक? जब तक ड्रिंक चलेगी। यार लेकिन ये शेयरिंग वाले सिस्टम कब से होंगे भाई? जब इनको प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें तो है, तू उसकी टेप शेयर कर ले लेने। आया आया, तो आया ड्रिंक।
वाटर। हाँ पानी पिला भाई पानी। ड्रिंक 2 लीटर वाटर। अरे यार नहीं यार, बहुत देर से मेरे लग यार, ये पानी पीने के बाद तो दिक्कत हो जाएगी भाई। इसमें लिखा है 2 लीटर वाली बोतल का पानी खत्म तो करना पड़ेगा। लो भाई 2 लीटर की बोतल, तेरे पास भी सिर्फ 1 ही घंटा है इसको खत्म करने के लिए। और नहीं खत्म किए ना भाई तो फिर बार बहुत बड़ी दुविधा है। पानी भी पीना है और ये भी नहीं कर सकते। सबसे बुरा टास्क मुझे ही मिला क्योंकि इसमें रहा नहीं जा रहा, खून अंदर से जम चुका है भाई। सिर्फ 10 मिनट बचे हैं, जल्दी से पी ले। जस्ती पिला रही है और मेरे बहुत जोर से लग रही है टॉयलेट यार। गाइस हमारे इस चैलेंज में हमारा एक और कंटेस्टेंट आउट हो चुका है और मुझे मिल चुके हैं मेरे टॉप 3। और ये टास्क होता है यहीं पर खत्म। अब टाइम है तुम्हारे सर्कल को और छोटा करने का। भाई साहब इतना छोटा सर्कल हो गया कि 3 लोग बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं बैठ पा रहे। 3 का पता नहीं लेकिन मैं बहुत कंफर्टेबल बैठा हूँ अभी। सारा घेर रखा है ना बेटा, ले मुझे कोई दिक्कत नहीं। मुझे भी कोई दिक्कत नहीं, बस तो फिर ऐसी बैठ लेंगे और क्या। जिसको दिक्कत है वो बाहर जाए। सही है, वो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आराम से बैठ। यार आधी रात हो चुकी है लेकिन निकलने का नाम कोई नहीं ले रहा। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि ये दोनों क्यों मेहनत कर रहे हैं जबकि जीतना किसी एक को ही है। भाई मेरे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जल्दी से खत्म करो, मुझे भी अपना जो मिलना है मिले और मैं घर जाऊँ। 12 घंटे से ज्यादा हो गए मेरे को यहाँ पे बैठे बैठे, अब तो मैं क्विट नहीं करने वाला। तुम्हारे अगले टास्क की और इसमें मैं खिलाने वाली हूँ तुम लोगों को म्यूजिकल चेयर, जिसमें मैं यहाँ पे रखूंगी 2 चेयर्स और कंटेस्टेंट है मेरे पास 3 और मैं बिना पीछे देखे म्यूजिक बजाऊंगी और जो भी इन 3 में से पहले 2 कंटेस्टेंट चेयर पे बैठ जाएंगे वो होंगे मेरे टॉप 2। और तुम्हें इस बात का भी पूरा ध्यान रखना है कि म्यूजिकल चेयर गेम खेलते वक्त तुम्हारा पैर बाउंड्री से बाहर या लाइन पे टच नहीं होना चाहिए। तो गाइस इस राउंड से जो एलिमिनेट हुए हैं वो है मयंक कौशिक। भाई कैसा लग रहा है इतना पास आके जीत के और बाहर? मेरी किस्मत में बेइज्जती लिखी है ऑडियंस, करो भाई बेइज्जती करो मेरी। और गाइस यहाँ मुझे मिल गए मेरे टॉप 2 और अब टाइम है सर्कल को और छोटा करने का। और ये सर्कल इस बार इतना छोटा होगा कि इन दोनों का एक साथ इस सर्कल में खड़ा होना ही बहुत बड़ा चैलेंज है। यहाँ तो हिल भी नहीं सकते, एक जगह स्टैचू बन के खड़ा होना पड़ेगा। पहले ये तो था कि थोड़ा बहुत हिल सकते थे, बैठ सकते थे, खड़े हो सकते थे, लेट भी सकते थे, अब तो बस इसी पोजीशन में खड़े रहना है। मैं बिल्कुल हारने वाली नहीं हूँ, ये भी मैं ही जीत के जाऊँ। भाई दोनों खड़े हैं और दोनों के दोनों अड़े हुए हैं और ये टास्क इनके लिए और टफ होता जा रहा है। मैं खुद ज्यादा बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ देखने के लिए कि कौन जीतने वाला है। सुबह हो चुकी है और इन दोनों में से कोई भी हारने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो मैंने सोचा ऐसे तो भाई कोई आउट होगा नहीं और ये चैलेंज चलता ही जाएगा। तो अब टाइम है इस चैलेंज को इन दोनों के लिए और मुश्किल बनाने का। अब तुम दोनों को इस सर्कल में खड़ा तो होना है लेकिन एक पैर पर। ये तो सरासर टॉर्चर है। चलो भाई अब मुझे 5 मिनट के अंदर अंदर मेरा विनर मिल जाना चाहिए यार। 1, 2, 3 गो। और अब तुम्हारा पैर नीचे भी लगा तो भी तुम आउट हो जाओगे।
आपने भी बहुत मेहनत करी और बहुत ही डेडिकेशन के साथ वो डटा रहा तो वो खाली हार जाएगा, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए रनर अप को मेरी तरफ से 5,000 रुपए का इनाम मिलेगा। और यार मैं तुम लोगों के लिए इतनी मेहनत करके इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाती हूँ, तो यार अब तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो